इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले आप सभी को जश्न मिलादुन नबी की मुबारकबाद। जश्न मिलादुन नबी का अजीम जुलूस, अजीम दिन, अजीम इजलास बिल्कुल अनकरीब है। हमारे साथ मौजूद हैं सीरत कमेटी के सदर जनाब अताउल्ला देसाई साहब। हम उनके उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि जिस कदर एक अजीम इजलास हमारे सामने है, जुलूस जो हमारे सामने मौजूद है जिसमें सैकड़ों से लोग उसमें शरीक होंगे, तो इस वक्त आप उम्मत मोहम्मदिया और बेलगाम के तमाम मुस्लिम नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को क्या नसीहत देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं शहर बेलगाम के तमाम मुसलमानों को सीरत कमेटी की पूरी टीम की तरफ से, इनफरादी मेरी तरफ से आप तमाम को ईद मिलादुन नबी के बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तमाम को रेडियो लेवल का ये महीना मुबारक हो। जुलूस 10 नवंबर 2019 को इंशाल्लाह निकलेगा अपने मुतय्यन रास्तों से। उसकी रूट हर साल की तरह इस साल भी तय है। फोर्ट रोड जिना चौक से सुबह 9:30 बजे ये जुलूस का आगाज़ होगा। अपने मुतय्यन रास्तों से होता हुआ असद खान लाहौरी बादशाह के आस्थाने पर ये इख्तिताम पज़ीर होगा। जुलूस के चंद आदाब हैं जो हर साल हम आपके हुजूर हाजिर होते हैं और आपकी बात आप तक रखते हैं और किसी हद तक आप हमारी बात को कबूल भी करते हैं और उस तरीके से आप चलते भी हैं उस रास्ते पर। जुलूस में आप झंडे इतने ऊंचे ना लाएं कि किसी हाई टेंशन वायर को टच हो जाए या कोई हादसा पेश आए। उसके अलावा इतने झंडे ऊंचे ना हों कि लहराते वक्त किसी के हाथ पर लग गया, किसी के नाक पर लग गया, किसी को चोट आ गई, इससे इंतजार बढ़ेगा, झगड़े का बाइस भी बन सकती है ये चीज़। इसके अलावा कई तंजीमें जो है अपने अपने एरियाज़ में तबरुकात तकसीम करती हैं, जैसे आइसक्रीम है या फिर शरबत की इंतज़ाम करती हैं। क्या होता है, जुलूस के बिल्कुल सामने से आप आ जाते हो, वहाँ पे कोलिजन हो जाता है, जुलूस की पूरी तरतीब बिगड़ जाती है। इससे आप बचें, आप एक काम कीजिए, आप रास्ते के किनारे पर खड़े हो जाइए, जिसको भी हाजत रहेगी वो आप तक पहुँचेगा। और उसके अलावा आप अपने पास एक वेस्ट बिन के जो है सहूलत आप रखिए, जो हार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस होते हैं उसका इंतज़ाम कीजिए, शरबत पीने के बाद में या तो फिर आइसक्रीम को तनाउन करने के बाद में उसकी जो स्टिक्स रहेंगी या उसकी ग्लासेस जो वेस्ट रहेंगी, लोग जाते वक्त उसके उसे जो है उस डस्टबिन में फेंक कर चले जाएंगे, ताकि दूसरे दिन कॉरपोरेशन की गाड़ियों को जो है उस कचरा साफ करने में आसानी भी होगी और उससे गंदगी भी नहीं फैलेगी और इससे जुलूस की खूबसूरती भी जो है बरकरार रहेगी। और एक अहम बात मुझे आपसे कहनी है, ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में अमूमन तो कभी भी डीजे या साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, आइंदा भी नहीं होगा इंशाल्लाह। आपसे अदबन मेरी गुजारिश है और सीरत कमेटी की पूरी टीम की तरफ से आपसे गुजारिश है, और इस चीज़ का हम हर जुमा ऐलान भी करा रहे हैं कि आप डीजे से, डॉल्बी से आप खुदा रा बचें, क्योंकि आप ये देखें कि हम किसकी मिलाद मना रहे हैं, उस नबी की जो सारे नबियों के इमाम हैं, वो नबी जिन्हें अल्लाह ताला ने सारे आलम के ऊपर रहमत बनाकर भेजा है, हम उनकी मिलाद मना रहे हैं, तो हमारा डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए हम और आपको जो है तय करने की आज ज़रूरत है मेरे भाइयों। खुदा रहा आप डीजे डॉल्बी से अपने पैरों को ना थिरकाएं, बल्कि बावजू साफ व पाक कपड़े पहनकर 2 या 5 की कतार में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दरूद शरीफ का विर्द करते हुए और नाते शरीफ मुस्तफ़ा गुनगुनाते हुए बड़े अदब के साथ में आप इस जुलूस में शिरकत करें और इसको जो है रौनक अफरोज करें। और मुतय्यन रास्तों से होता हुआ हमारा जुलूस जो है कैंप के असद का लाहौरी बादशाह के आस्थाने पर जब पहुंचेगा, तो वहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम सीरत कमेटी की तरफ से रखा गया होता है, जहाँ पे एक रात क्लब कबल जो डेकोरेशंस हुई होती हैं उनकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। आप तमाम वहाँ पे आएँ, एक मुख्तसर खिताब हमारे उलमाए किराम से की जानिब से होगा, आप उसे समाप्त फरमाएँ और उसके बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस को आप देखें। उसके बाद वहाँ पे एक लंगर का इंतज़ाम किया गया होता है, आप तमाम उसमें शिरकत करें, लंगर खाएं और उसके बाद पुर अमन पुर सुकून आप अपने अपने मकामों को वहाँ से डिस्पर्स हो जाएं।
ऑपरेशन के लिए इलाके जुलूस के तरफ कब जो जाते हैं देखने के लिए, वहाँ पे क्या होता है, एक गाड़ी पर तीन बच्चे सवार होकर अजीब किस्म की शोरगुल करते हुए गली कूचों से गुजरते हैं, उस चीज से आप खुदारा बचें। एक गाड़ी पर तीन लोग आप सवार होकर आप ना जाएं, बड़े ही डिसिप्लिन के साथ तरतीब के साथ में जाएं कि आपके जाने को भी देखकर लोग जो है उसे एक इबरत हासिल करें और आप उसका रौनकों को जो है आप देखिए, लेकिन अपने डिसिप्लिन के साथ में। सीरत कमेटी की तरफ से मैं आप तमाम को, जिस भी आप मसलक को मानते हैं, जिस भी मकतब व फिक्र से आप ताल्लुक रखते हैं, तमाम को हम आपको दावत देते हैं कि आप सब के सब कसीर से कसीर तादाद में इस जुलूस में पहुँचें, एक भाईचारगी का एक सबूत दें और पुरअमन पुरसकून इस जुलूस को कामयाब बनाने के लिए हमारी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप समाज फरमा रहे थे जनाब अताउल्लाह देसाई साहब, जो सीरत कमेटी के सदर हैं। यकीनन उन्होंने बहुत सारे कई सारे अहम बातें आपके सामने गुजार की कि किस तरह से जुलूस में होना चाहिए। उमूमन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम से जो जुलूस निकलता है उसमें कितना अदब एहतराम से हमें होना चाहिए, है हमें खुद अपने गिरेबान में झांककर इसे फैसला ले। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही और तमाम को इत्तेहाद न्यूज़ की जानिब से भी जश्न मिलादुन नबी की पुरखलुस मुबारकबाद। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।